आज मैं आपको इस टेंशन भरी जिंदगी से दूर आपके एक ऐसे दौर में ले जाऊंगा जिसे आप दोबारा जीना चाहते हो। लेकिन वो कहते हैं ना, गुजरा हुआ जमाना लौट कर नहीं आना। जी हाँ दोस्तों, 90 का वो समय शायद ही कोई भूल पाया हो। वो समय उस दौर के बच्चों के लिए एक वरदान था। तो मैं आज आपको आपके बचपन की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाऊंगा जिसे देख कर आपको सच में रोना आ जाएगा। दोस्तों याद है उस अंधेरी रात में लालटेन की रोशनी के आगे बिस्तर में दबकर हम अपनी दादी से ऐसे कहानियां सुना करते थे। अब वो कहानियों वाला दौर ही खत्म हो गया है। जिसने भी अपनी दादी से ऐसी कहानियां सुनी हैं, तो वो इंसान बड़ा ही खुश नसीब है। दोस्तों याद है उन दिनों ये खूब चला करती थी जिसके नीचे बैठ कर हम पढ़ाई किया करते थे, याद है या भूल गए? दोस्तों अब बताइए आपका इनमें से पहला सिम कार्ड कौन सा था? यकीनन इनको देखकर आपको वही नोकिया के जमाने की याद आ गई होगी। कई बार कुछ पुरानी चीजें देखकर हमारा बचपन एक बार फिर से जिंदा हो जाता है। उन्हीं पुरानी चीजों में से एक है ये स्विच। ये स्विच उन दिनों खूब चला करते थे, याद है या भूल गए दोस्तों? इस इमेज में दिख रहा ये दृश्य हमें उस जमाने की याद दिला रहा है जब एक पंखे के नीचे 10 लोगों का पूरा परिवार आराम से सो जाता था। आप लोग ऐसे सोए हो या नहीं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आज तो लगभग सभी के पक्के मकान हो गए हैं, लेकिन 80 या 90 के दशक में गांव में एक आधा लोगों के पास ही पक्के मकान हुआ करते थे, बाकी सबके पास कच्चे मिट्टी से बने घर होते थे। तो गांव के लोग दिवाली से पहले घर की दीवारों को पोतने के लिए और आंगन को लीपने के लिए ऐसे मिट्टी खोदने जाया करते थे। जहाँ पर पोतने लायक मिट्टी हो वहाँ से खोद के लाया करते थे। आज क्या आपके गांव में भी लोग ऐसे मिट्टी खोदने जाते हैं? तस्वीर में दिख रही ये चिड़िया उन दिनों खूब दिखा करती थी, आज ये खत्म होने के कगार पर है। आखिरी बार आपने इस चिड़िया को कब देखा था और इसका नाम क्या है हमें जरूर बताएं। बचपन में अगर आपने ये खेल नहीं खेला तो आपने 90s का एक सुनहरा दौर मिस किया है। आज की पीढ़ी के बच्चों को तो शायद इसका नाम ही ना पता हो। हमारे इधर इसे तक्का कहा जाता था, और आज आप इसे किस नाम से जानते हो? तस्वीर में दिख रही ये चीज कोई मामूली चीज नहीं है। बचपन में पूरी गर्मी हमने इसके साथ खेला है। ये इमली के अंदर निकला करती थी। आज की पीढ़ी को तो इमली भी नसीब नहीं होती दोस्तों। ये अखबार का पन्ना याद है आपको जिसे हम सबसे पहले पढ़ा करते थे? इसका हमें बड़ी ही बेसब्री से इंतजार रहता था। दोस्तों आसमान में दिख रही इस लाइन को देखकर कौन कौन ये सोचता था कि यहाँ से रॉकेट निकला है, लेकिन सच ये नहीं था। याद है आपको पहले कैसेट रिकॉर्डिंग की दुकान पर जाकर हम अपनी पसंद के गाने रिकॉर्ड करवाते थे, फिर घर में उनका आनंद लेते थे। वो भी क्या दिन थे दोस्तों। आज मोबाइल फोन्स ने सब कुछ खत्म कर दिया है। सच में ये माचिस की ताश देखकर आपको रोना आ जाएगा। ये माचिस के ताश किस किस ने अपने बचपन में खेले हैं, क्योंकि इनके लिए दोस्तों से हमारी हाथापाई हो जाती थी। अब ऐसी माचिस ही नहीं आती ना वो दिन। ये डिब्बी याद है आपको, ये उन दिनों सबके घर में हुआ करती थी। जब रात को लाइट चली जाती तो हम इसको जला लेते और इसकी रोशनी में ही सब लोग मिलकर खाना खाया करते थे। ये एक की एक बाली आइसक्रीम किस किस ने खाई है जरा बताना। इस तस्वीर को देखकर कुछ याद आया दोस्तों, ये दृश्य आज दुर्लभ हो चुका है। ये कोई सिनेमा हॉल नहीं है, ये गांव के किसी अमीर बच्चे का घर है जिनके पास टीवी मौजूद है। ये खाए तो लगभग सभी ने होंगे, कहीं कहीं पर फुलभड़ी कहते हैं तो कहीं पर चुर्री, लेकिन गांव में इसको पुंगा कहा जाता है। ये उस जमाने की बात है जब डेरी मिल्क और चिप्स हम नहीं खरीद सकते थे, क्योंकि ये पुंगे 1 रुपए में 2 आ जाने थे, तो अगर 5 रुपए के ले लिए तो 10 आ गए और पूरे घर ने खा लिए। दोस्तों जब आपने क्रिकेट देखना शुरू किया था तब उस समय भारतीय क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन था आपको याद है क्या भूल गए? पैनासोनिक का ये बूम बॉक्स किस किस ने देखा है? इसमें टीवी के साथ साथ रेडियो भी रहता था। दरअसल ये उस जमाने में बहुत महंगा आता था, इसलिए हमने तो अपनी आंखों से इसको कभी नहीं देखा। दोस्तों उस दौर में सुकून था, दोस्त थे, सादगी थी। ये व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम नहीं था, तब जिंदगी असल थी। क्या दिन थे वो। ये जमाना याद है आपको, इनको देखते ही हमारे चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। ये उस समय हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं था। बचपन में हम ये जरूर पढ़ा करते थे। संस्कृत बचपन में हमको सबसे कठिन लगती थी। ये जीव याद है आपको, कहा जाता था कि अगर इसको छू लो तो हमको पैसे मिलेंगे। अब इस पल को तो आपने अपने बचपन में देखा ही होगा, आपको शायद ही इसका नाम याद हो। दोस्तों हमारे घर उन दिनों कुछ ऐसे कच्चे हुआ करते थे। ये घर हमारे लिए किसी जन्नत से कम नहीं थे।
ये वही गलियां हैं जहां हमारा पूरा बचपन गुजरा। यहीं दौड़कर हमने लुक्कम छुपाई खेली है और दीपावली पर हमने पटाखे फोड़े हैं। ये वही मोहल्ले हैं जिनका शोर आज तक हमारे कानों में गूंजता है। ये वही बरगद का पेड़ है जिसकी छांव में हमने बैठकर कई घंटे गुजारे हैं। ये वही सरकारी स्कूल है जिसमें दिन का एक घंटा भी हमें एक दिन के बराबर लगता था। आज इन सरकारी स्कूलों की दीवारों पर दीमक लग चुकी है। आज जब हमें सड़क के किनारे कोई ऐसा स्कूल दिख जाता है तो हमें अपना बचपन याद आ जाता है। अब नजर नहीं आते ये डाकिया जो आपके घर खुशियां लाया करते थे। कौन कहता था हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। कच्चे चूल्हे में भी हम चार चार चीजें एक साथ बना लेते थे। वो बारिशों के मौसम में ऐसे छत के नीचे नहाना, वो दौर ही अलग था जब हमारी खुद की किराने की दुकान हुआ करती थी। क्या ऐसा दृश्य दोबारा देखने को मिल सकता है? शायद नहीं। ये वो दौर था जब आम के पत्ते भी हमारे लिए खिलौने बन जाया करते थे। एंटीना पर बैठी ये चिड़िया गौरैया है, उन दोनों ये ऐसे ही एक साथ दिखाई देती थी। ना तो अब ये चिड़िया है ना ही ये एंटीना। उस जमाने की ये पेंट आज के प्लाजो बन चुके हैं। ये स्त्री करने वालों की प्रजाति अब धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है। कोई बता सकता है इस सुंदर गांव में क्या बन रहा है? ये सिर्फ गांव के लोग ही बता सकते हैं। आपको चैलेंज है इस चीज को पहचानना है और इसका नाम बताना है। आज के बच्चों को तो ये सपने में भी नसीब नहीं हो सकती। कुछ लोग कहते हैं वो दिन गरीबी के दिन थे, तो क्या सच में आज सब कुछ होने के बावजूद भी आपके पास सुकून है? बाप बताइए। आज कोई बच्चा आपको दोस्तों के साथ खेलते नहीं दिखाई देगा। बच्चों को बस मोबाइल फोन्स की लत लग चुकी है। जहां देखो वहां बच्चे बस सोशल मीडिया पर रील्स बना रहे हैं। आज सबको सोशल मीडिया स्टार बनना है। आज का बच्चा अब ऐसा नहीं कहता कि उसे वकील बनना है, डॉक्टर या शिक्षक बनना है, उसे तो बस सोशल मीडिया का स्टार बनना है। लेकिन वो वक्त अलग था। उस दौर की पीढ़ी समय की कीमत जानती थी। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे होंगे तो आपने 90s का बचपन जरूर जिया होगा। ये गांव की बूढ़ी औरतें अब समाप्ति की कगार पर हैं। अब ये गांव में एक आधा ही बची कुची दिखाई देती हैं। उन दिनों ये गुरु चेला हम खूब खाया करते थे। इसे हम जानबूझकर खाया करते थे ताकि हमारी जीभ लाल हो जाए। दोस्तों, तस्वीर में दिख रहा ये तुलसी घर आपको 90s के दौर की याद दिला रहा होगा। आजकल के पक्के मकानों में हमें ये नजर ही नहीं आता। दोस्तों, उन दिनों पॉप कल्चर का बहुत ही क्रेज हुआ करता था और डिस्को के मशहूर सिंगर हसन जहांगीर उस समय बहुत फेमस हुआ करते थे। क्या आपने भी इनके गाने सुने हैं? बहुत पीछे छूट गया वो जमाना, लौट कर वापस नहीं आएगा। ऐसा भी एक टाइम था। ये इमेज सन 1997 की किसी बारात की है। सच बताऊं तो 90s के दशक के ये भारत के आखिरी सबसे महान न्यूज एंकर थे। हमारे बचपन के साथ ऐसी न्यूज भी हमेशा के लिए खत्म हो गई। आज न्यूज के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बिजनेस होता है। तस्वीर में दिख रहा ये शख्स याद है आपको? जरा याद करके बताओ कौन है ये? ये पेजर मोबाइल फोन के आने से पहले चला करते थे। इनको बहुत कम लोगों ने ही यूज किया होगा क्योंकि ये बहुत ही महंगे आते थे। तो दोस्तों, बचपन तो अब लौट कर नहीं आने वाला, लेकिन आपने इस वीडियो को देखकर अपना बचपन जरूर जी लिया होगा। तो आप अपने बचपन की कोई ऐसी याद बताइए जिसे आप सबसे ज्यादा मिस करते हैं। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।